नमस्कार, मैं गुरलीन और आप देख रहे हैं बॉलीवुड अपडेट्स बाय न्यूज 28। जी हाँ, 2000 से भी ज्यादा गानों को कोरियोग्राफ कर चुकी सरोज खान का आज जन्मदिन है। हालांकि पिछले साल 3 जुलाई को सरोज खान का दिल के दौरे पड़ने से निधन हो चुका था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से सरोज खान को अपने उम्र से 30 साल बड़े शख्स से शादी करनी पड़ी, और ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से उन्हें अपना धर्म भी बदलना पड़ा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं उनसे जुड़ी कुछ उनकी बैकग्राउंड स्टोरीज के बारे में। जी हाँ, सरोज खान ने बॉलीवुड की हर बड़ी अभिनेत्री को अपनी डांस मूव्स पर नचवाया है। माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी और ऐश्वर्या राय जैसी अभिनेत्रियों ने उन्हें अपना गुरु भी माना है। अगर बात करें 40 साल पहले की, तो उन्हें अपनी फिल्मी करियर में 3 बार नेशनल अवार्ड भी मिला है। लेकिन अगर हम बात करें सरोज खान की निजी जिंदगी की, तो आपको जानकर यह हैरानी होगी कि सरोज खान का असली नाम निर्मला नागपाल था। तो वहीं अगर मैं उनकी कठिनाइयों के बारे में बात करूं, तो स्कूल जाने की उम्र में सरोज ने सोहनलाल से शादी कर ली थी। उस वक्त वह नहीं जानती थी कि सोहनलाल पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता हैं। दोनों की उम्र में 30 साल का फासला था। शादी के वक्त सरोज की उम्र 13 साल थी। सरोज खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं उन दिनों स्कूल में पढ़ती थी, तभी एक दिन मेरे डांस मास्टर सोहनलाल ने गले में काला धागा बांध दिया था और मेरी शादी हो गई थी। सरोज खान ने जब पहले बेटे को जन्म दिया, तब उन्हें अपने पति की पहली शादी के बारे में पता चला। 1965 में उनके दूसरे बच्चे का जन्म हुआ, जो 8 महीनों बाद ही गुजर गया। जब सोहनलाल ने सरोज के दोनों बच्चों को अपना नाम देने से इनकार किया, तब दोनों की राहें अलग हो गई। बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे न्यूज 28 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।